जी भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई ऐसे वालिद है जो नशा करता है, घर में आ जाता है और मारपीट करता है, जिसके बदले में बच्चे फिर उसको समझाने के लिए अगर कुछ मारते करते हैं, तो वो क्या मामला है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चे जो है वालिदैन की तरबियत नहीं कर सकता है। तरबियत तो वालिदैन का है, बच्चों ही करना। अब कभी कभार होता है कि इस तरह की बुरी आदतों में वालिदैन या बाप मुलविस हो जाता है या बुरे काम करता है, तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चे उसको ताकीद करें, और जब वो ऐसी हालत में आता है, चूँकि बाप का मुकाम बड़ा ऊँचा है, तो उसको वो छोड़ दे। मतलब ऐसा कि अगर नशे में आता है तो घर में ना ले ताकि नशा उतर जाए, या घर में आ रहा है तो एक बकेट पानी डाल दे आने से पहले ताकि नशा उतर, या फिर घर में आ जाता है तो एक एक आंगन में या एक ऐसे रूम में रखे जहाँ वो वहाँ रहे, उसका नशा उतर जाए, फिर आप बात करें। लेकिन इसकी तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो वालिद आए और बच्चे उसको मारे, इसलिए कि फिर बाप का मुकाम कहाँ रहा फिर? ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर दुनिया में किसी का मुकाम है तो माँ और फिर उसके बाद बाप है, तो ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ, उसकी वो गलती और ख़ता है, ये अलग बात है कि अगर बाप आकर माँ पर जुल्म कर रहा है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन उसको जवाबी कार्रवाई में आप मारेंगे नहीं। याद रखिए, रोक सकते हैं आप उसको। जैसा मिसाल तौर पर किसी का बाप किसी को मार रहा है, माँ को मार रहा है, तो आप रोक सकते हैं बच्चे, लेकिन ये नहीं कि अगर वो माँ की हड्डी तोड़ दे तो आप भी उसकी हड्डी तोड़ देंगे, वो माँ को तकलीफ दे तो आप भी तकलीफ, ये नहीं हो, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए कि उसका बड़ा ऊंचा मुकाम है। फिर चाहे वो नशे में, हाँ ये अलग बात है कि वो जान लेने में तुला है माँ की आपके, तो आप रोकने के अंदर जो कुछ हो सके, फिर चाहे रोकने में उसको मार लग जाए, लेकिन इसकी ख़तन इजाज़त नहीं मिलेंगी कि बाप शराब पी के आए तो बच्चे उसको मारे। हाँ, आप ये कीजिए, उसको ताकीद करें, घर में ना ले, घर में आने से पहले नहला दे, या फिर घर में आने के बाद एक रूम में रखिए कि भाई तुम यहाँ रहो, नशा उतरने के बाद बाहर आना, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये इजाज़त तो नहीं दी जाएगी कि वो माँ को मारे या बाप को। ये अलग बात है कि अगर बेटा खाजी या जज हो या उस कबीले का इंसाफ करने वाला हो, तो फिर ये अलग बात है, वो उस हैसियत से उसको सज़ा दे सकता है। लेकिन एक बेटा होने के नाते कि मेरा बाप आके मेरे माँ पे जुल्म कर रहा है, तो नहीं। हाँ, जुल्म को रोक सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ पे जुल्म होने दे, बाप को ही ताकीद कीजिए कि जुल्म नहीं करेगा, माँ पे जुल्म करता तो पकड़ के वो कीजिए, दूसरे बहन भाई पे जुल्म करता तो बड़ा भाई उनको पीछे कर सकता है, एहतराम के साथ पीछे लेके छोड़ दें, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो उसको मारे या उससे बदला ले या उसको तकलीफ़ पहुँचाए कि तुम शराब पी के आए तो हम तुमको मारपीट करेंगे। ताकीद करता रहे, समझाता रहे, और जो कुछ नसीहत के अंदाज से, जो कुछ इलाज के अंदाज से हो सकता है वो करें, लेकिन मारने की इजाज़त नहीं जाएंगी। जुल्म करता है तो रोकने की इजाज़त है, आप पर जुल्म करता है तो भी आप रोक सकते हैं, माँ पर जुल्म करता है, दूसरे छोटे बहन भाई पर जुल्म कर सकता है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन उसको मारने की या इस तरह के दूसरे अमल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, सिवाय इस शक्ल में कि फिर बेटा ही सरदार हो, इंसाफ करने वाला हो, हाकिम हो, खाजी हो, और वही फैसले देता हो महल्ले में कि भाई सज़ा दी जाए, ये की जाए, तो फिर वो बोल सकता है कि मेरे बाप ने शराब पी, लिहाजा इसको जूते चप्पले मारो खूब। ठीक, जिससे आप सब के ज़माने में ऐसी होता, लोग शराब पी के आते तो उन्हें जूते चप्पले मारा जाता। ठीक, यही सज़ा थी। तो बहरहाल उसके बाद शरी कानून में उसके लिए कोड़े बनाए गए, इतने इतने कोड़े, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आम एतबार से आप रोकेंगे, दिफा करेंगे अपनी वालदा का, लेकिन उस पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।